नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने अवैध उत्खनन को लेकर एक बार फिर खनन माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन नहीं करने दिया जाएगा। नदी किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। कंप्यूटर बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा रेत का अवैध उत्खनन बुधनी में 15 सालों में हुआ है। शिवराज सिंह को शर्म आनी चाहिए। नर्मदा नदी के किनारे हो रहे अवैध रेत के उत्खनन को लेकर नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। अवैध रेत खनन रोकने, नर्मदा की सफाई, पौधे लगाने के उद्देश्य से कंप्यूटर बाबा ने बड़ी संख्या में साधुओं के साथ बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नर्मदा तटीय क्षेत्र पर अपना डेरा डाल दिया है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि रेत माफियाओं को लगता है अब भी शिवराज की सरकार है और रेत उत्खनन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रेत उत्खनन बुधनी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज की सरकार में ही हुआ है। यह कमलनाथ की सरकार है। नर्मदा को बचाने साधु संतों को कार्य सौंपा गया है। यहाँ बड़ी संख्या में साधु संत आ रहे हैं। हमने आमा डिमावर बड़गांव क्षेत्र को चुना है। वहीं संतों के साथ रहेंगे, पूजन और भजन करेंगे। साधु संत नर्मदा की सफाई भी करेंगे, पेड़ न कटने का संदेश देंगे और किसी भी सूरत में नर्मदा से अवैध खनन नहीं होने देंगे। अम्बा है, एक डिमावर है और उसके पास में और भी है जो बड़गांव है। वहाँ हम लोगों ने सैकड़ों संतों के साथ में, हजारों संतों के साथ वहीं रहेंगे, वहीं भजन करेंगे, पूजन करेंगे और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। साधु संत पेड़ भी लगाएंगे, पौधा भी लगाएंगे और वहाँ स्वच्छ सफाई भी, नर्मदा की हम लोग सफाई भी करेंगे। और तीसरा, जो पेड़ कटते हैं उसका संदेश देंगे कि पेड़ ना कटे। कंप्यूटर बाबा ने रेत माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यह शिवराज की नहीं कमलनाथ की सरकार है। भरोसा छोड़ दें, 15 साल खूब आनंद लिया, अब बाबा लोग अवैध खनन नहीं होने देंगे। शिवराज सिंह को शर्मानी चाहिए। 15 साल में इन्होंने मां नर्मदा का सीना छन्नी किया। यह धीरे धीरे खत्म होगा। अब हम नर्मदा किनारे अनिश्चित काल तक बैठेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।